तो आज समझेंगे कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना होगा उनके पद से तो हम लोग कैसे हटाएंगे आपके, और इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, यानी प्रेसिडेंट का हमेशा आप ये सुनोगे महाभियोग लाना, ठीक है, या इम्पीचमेंट सुनोगे। तो अगर बात करें सबसे पहले सर इसका आर्टिकल क्या है, किस आर्टिकल में बात किया जाएगा इम्पीचमेंट की, तो देखिए आर्टिकल आप 61, ठीक है, आर्टिकल 61 पार्ट आपके 5, यानी पार्ट 5 में ही आपके प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट के पावर के बारे में, आपके इलेक्शन के बारे में भी पार्ट 5 में ही जिक्र है, और आर्टिकल नंबर 61 में ही आपके डील किया गया है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब सबसे पहले सवाल आता है सर कि क्यों प्रेसिडेंट को हम लोग हटाएंगे, आपके आपके जो राष्ट्रपति हैं उनको उनके पद से क्यों हटाएंगे, क्या कारण होगा जिसके कारण हम लोग प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। तो देखिए एक हम लोग नॉर्मल किसी भी साधारण आदमी का एग्जांपल लें, कोई सर्विस में है तो उसको क्यों हटाया जाता है, क्यों इम्पीच किया जाता है, क्यों उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, क्यों, क्यों कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है, अगर कोई सर्विस में है कोई आदमी या महिला क्या है आपके सर्विस में है, ठीक है, तो सर्विस में होंगी होंगी अगर टीचिंग में होंगी या कहीं भी आपके जॉब में होंगी तो उनकी कुछ अथॉरिटी होगी आपके, उनकी एक आपके सर्टेन आपके जो रिडिक्शन होगी कि हम उनको ये काम करना है, उनका ये लिमिटेशन है, अगर वो ऐसा करेंगे, अगर करप्शन करेंगी तो क्या होगा, उनको हटा दिया जाएगा, करप्शन करेंगी हटा दिया जाएगा, अच्छे से ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, हटा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको, आप अगर प्रेसिडेंट हैं या आप कोई सर्विस में हैं, आप कोई ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उसमें क्या है आपकी अथॉरिटी है, आपको काम अगर आप अच्छा से नहीं करिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा, सिंपल है। आपके कहीं भी अगर कोई सर्विस में है, अगर आप करप्शन के चार्ज में आ जाए तो आपको हटा दिया जाता। तो सवाल आता है कि सर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे जिसके कारण हम लोग उनको इम्पीच करेंगे, उनको हटाएंगे। कंपनी का तो कोई रूल रहता है ना कि इस आप अगर ये करोगे, घोटाला कर दोगे तो आपको हटा देंगे, अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है आपको वार्न करें उसके बाद हटा दें। लेकिन यहाँ क्या है सर, यहाँ क्या कारण है प्रेसिडेंट में कि इनको हटा सकते हैं हम लोग, क्या कारण है या क्या करेंगे प्रेसिडेंट जिसके कारण हम इनको इम्पीच करेंगे। तो देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलें, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वायलेशन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए ये जो आपके प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो सर्वोच्च पद होता है, यानी एक हायर पोस्ट होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है आपके वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट को तभी हटा सकते हैं जब ये क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें, वायलेट करें यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम उनको क्या करेंगे, इम्पीच कर देंगे। अब ये जो वायलेशन है इसको क्लियर क्या किया गया है, क्लियर नहीं किया गया है, क्लियर नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको क्लियर नहीं किया गया या डिफाइन नहीं किया गया अच्छे से, ठीक है, याद रखिएगा, यानी इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसको, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अच्छे से कहने का मतलब क्या है कि अगर बात करें प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन आपके इसको डिफाइन किया गया है, अब इसका क्वालिफिकेशन होगा, टर्म होगा, एक लोकसभा है तो लोकसभा कैसे चलेगा, उसका क्या सेशन रहेगा, वो सबको क्लियर किया गया। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, क्या कंडीशन होगा, क्या वायलेट कर देते हैं कि हम उनको हटा देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट होंगी, जो करेंट गवर्नमेंट, उनको लगता है कि प्रेसिडेंट क्या है आपके अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे हम लोग, इम्पीच कर देंगे, उनको क्या करेंगे, इम्पीच कर देंगे, यानी उन पे महाभियोग आएगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखेगी कि जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, यानी जो उनकी पावर दी गई है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें चलना है, उसके अगर वो ज़्यादा जाते हैं आपके तो उन पे क्या करेंगे हम लोग, इम्पीचमेंट ला देंगे। तो देखिए इसमें आपके ये भी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है ना कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा बेसिकली, तो यहाँ पे जो करेंट गवर्नमेंट है वही देखेंगे कि प्रेजेंट अगर सुचारू रूप से सही चल रहे हैं, कार्य को सही कर रहे हैं तो सही है आपके, नहीं तो गवर्नमेंट को लगता है कि अगर प्रेजिडेंट है किसी कंट्री के तो ज़्यादा झुकाव हो रहा है उनका, या किसी और किसी को ज़्यादा प्रिफ्रेंस दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को लगा कि किसी को ज़्यादा प्रिफ्रेंस दे रहे हैं आपके, और दूसरा आपको लगा कि इनका कोई क्रिमिनल कोई क्राइम कर दिए, मान लीजिए कोई क्राइम कर दिए जो छुपा रहे हैं, ब्लैक मनी है इनके पास आपके, तो ये सब क्या है, एक तरह से इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऑफेंस में ये हैं,
ऑफेंस में आपके, तो जो करेंट गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके इन पे इम्पीच कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, हाथ में है करेंट गवर्नमेंट के हाथ में। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन पे इम्पीचमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इम्पीचमेंट हम लोग कैसे ला सकते हैं, समझते हैं कि अब हम जो राष्ट्रपति हैं उनको कैसे इम्पीच करेंगे, यानी अब हम लोग समझेंगे असली इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट कैसे, हमने इससे पहले समझ लिया था कि उनको कैसे हटाया, हटाएंगे, क्या कारण रहेगा जिसके कारण हम लोग राष्ट्रपति को हटाएंगे, लेकिन अब है बात कि इम्पीचमेंट कैसे लाएंगे। देखिए, हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा है, दो हाउस है आपके, दो हाउस है, इसमें क्या है 545, 245, ठीक है। तो पहला हमारा कहता है कंडीशन कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4 यानी 25% क्या है लोग, यानी लोग क्या मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स रेडी होना चाहिए, रेडी होने चाहिए, ठीक है। 1/4 यानी कहने का मतलब है हमारे पास कि अगर आप हटाना चाहते हो, हमें हटाना है राष्ट्रपति को, तो सबसे पहले क्या, मान लीजिए किसी एक आदमी को लगने से नहीं होगा कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाए। अगर कोई एक मेंबर होता है हाउस का आकर कहता है कि नहीं राष्ट्रपति को हमें हटाना है, तो क्या जो स्पीकर रहेंगे आपके लोकसभा कहेंगे कि नहीं ठीक है हटा दिया जाए? नहीं, कहने का मतलब है कि आपसे नहीं ना, मान लीजिए आपका कोई पर्सनल ओपिनियन होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहे होंगे राष्ट्रपति, तो क्या आपके अकॉर्डिंग हम लोग राष्ट्रपति को हटा देंगे? नहीं, कम से कम आपके 1/4, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हर चीज़ परसेंटेज में नहीं, 1/4, 1/3 वो ये सब के बारे में चर्चा की गई है। तो वैसे ही आपके सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति को हटाना है, आप चाहते हैं कि हम क्या करें इम्पीचमेंट लाएं, तो सबसे पहले आपके 25% मेंबर्स को रेडी करना होगा, यानी 1/4 लोग रेडी होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं इम्पीचमेंट को ला सकते हैं, यानी प्रस्ताव रख सकते हैं कि हमें क्या करना है, प्रेसिडेंट को हटाना है, क्या करना है प्रेसिडेंट को हटाना है। तो आपको 1/4 क्या करना होगा, लोग को रेडी करना होगा, यानी 25% कम से कम आपके मेंबर्स जो हैं वो रेडी होने चाहिए, तब क्या होगा स्पीकर इसको कहेंगे ठीक है चलिए कल से हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, इम्पीचमेंट पे, कल हम लोग इम्पीचमेंट। अब दूसरा सवाल आता है कि सर इम्पीचमेंट क्या, हम लोग लोकसभा से लेकर जाएंगे राज्यसभा में या राज्यसभा से लोकसभा में लाएंगे? तो नहीं, आप क्या कर सकते हैं, पहले लोकसभा में भी कर सकते हैं या राज्यसभा में भी कर सकते हैं, यानी दोनों में से किसी सदन में आपको लगता है पता चल गया है आप चाहते हैं, तो 25% अगर आप राज्यसभा में से लोग, अगर आप राज्यसभा से स्टार्ट करते हैं तो लोकसभा में जाएगा ही जाएगा पास होने, या लोकसभा से करते हैं तो फिर राज्यसभा में जाएगा ही जाएगा। तो कहने का मतलब है आपके कि आप किसी भी हाउस में इसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, नहीं, आप राज्यसभा से भी लोकसभा में जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है सर, अब तीसरा देखिए क्या है हमारे सामने, तीसरा है कि अगर आपको ये थोड़ा हुआ है 1/4, यहाँ है कि 2/3 क्या होना चाहिए आपका, मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, यानी 66% वोट इसको मिलना चाहिए तभी क्या होगा पास होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए हमने राज्यसभा में पेश किया, ठीक है, हमने सॉरी लोकसभा से हम लोग चलते हैं, ठीक है, लोकसभा से ही चलते हैं आपके, लोकसभा से क्या होगा हमारा जो होगा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट पास होता है, राज्यसभा में जाता है आपके, लोकसभा में भी क्या है 2/3 से पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपको लोग राज्यसभा भेजिएगा तो उससे पहले कम से कम 14 दिन पहले आपको क्या होगा नोटिस देना होगा, किसको, तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को बता देना होगा कि हमने इम्पीचमेंट ला दिया है, आप दूसरे हाउस में 14 दिन बाद ही चला जाएगा, इस पर चर्चा होने लगेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे आपके, इनको टाइम मिलेगा 14 दिन का, और ये जाएंगे जो राज्यसभा में अगर बिल जा रहा है तो वहाँ जाएंगे, या कोई लॉयर कर लेंगे, या खुद जाकर जो है अपना अपने आप को डिफेंड करेंगे कि नहीं इस कारणवश नहीं, और मैं जो अपना पद हूँ उसको मिसयूज़ नहीं किया हूँ, पूरे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल गया हूँ आपको, तो वहाँ वो प्रूफ करेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे, ठीक है। तो 14 दिन क्या करना है हमें आपके, अगर लोकसभा से होकर जाता तो यहाँ पास हो गया है तो 14 दिन के बाद ही हम लोग राज्यसभा में भेजेंगे, यानी 14 दिन का हम लोग टाइम देंगे प्रेसिडेंट को कि वो आके डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है आपके। तो ये था आपके क्या है कि इम्पीचमेंट, ठीक है। अब देखिए इससे पहले क्या है, 14 दिन अगर लोकसभा में अगर इम्पीचमेंट आ गया तो न्यूज़ चैनल या सबको पता चल ही जाता है, प्रेजेंट को भी पता चल जाता है, वो भी तो न्यूज़ देखते ही है ना आपके, तो उनको भी पता चल जाता है कि हाँ मेरे पे इम्पीचमेंट है। लेकिन कहने का मतलब कि ऑफिशियली एक तरह से नोटिस जाना चाहिए उनको आपके, जब यहाँ से पास हो जाएगा तो उनके पास नोटिस जाएगा, उसके बाद 14 दिन के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से भी क्या होगा 2/3 पास हो जाएगा, ठीक है, मेजोरिटी से
तो क्या होगा, ये प्रेसिडेंट हो जाएंगे आपके इम्पीच, यानी उनको अपने पद से हटना होगा। प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, हटना होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट हट जाएंगे, आपके इम्पीचमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपके प्रोसेस आपके इम्पीचमेंट का। सबसे पहले 1/4 क्या होना चाहिए, लोग रेडी होने चाहिए, मेंबर्स, तभी क्या होगा, इसको हम लोग आपके पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। दूसरा है, आप किसी भी हाउस में पेश कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में, ठीक है। तीसरा क्या है, 2/3 मेजोरिटी यानी 66% कम से कम इसका होता है, आपके सिक्योर करना चाहिए। अगर बीजेपी की बात करें तो अभी करंट जो है 2022 चल रहा है ना, तो इनके पास कितना 55% है, यानी इसमें अपोजिशन की भी कुछ आपको जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा, यहाँ के लिए आपसे नहीं होगा, तो 55% आ रहा है। अब एक सवाल आता है कि सर आपके जो 2/3 है, अगर राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है, राज्यसभा में भी 2/3 चाहिए है, लेकिन राज्यसभा में क्या है, 2/3 आपके वोट नहीं हो पाता है, लोग तैयार नहीं है, मेजोरिटी 2/3 नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, तो आपके जो इम्पीचमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। इम्पीचमेंट यहाँ पे कैंसिल, यानी तब आपके क्या है, एक तरह से इम्पीचमेंट आपके प्रेसिडेंट का नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2/3 चाहिए, यहाँ भी 2/3 चाहिए, यहाँ भाई यहाँ से आपके 2/3 पास हो जाएगा, तो आपके यहाँ भी 2/3 होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इम्पीचमेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल आता है आपके कि आपके वोट कौन कौन करेंगे, और अगर इम्पीचमेंट की बात आती है, इम्पीचमेंट की, तो सर वोट कौन कौन करेंगे सर। तो देखिए, वोट लोकसभा के मेंबर प्लस राज्यसभा के, ठीक है, एंड प्लस आपके नॉमिनेटेड मेंबर, याद रखिएगा, ये क्या करेंगे, वोट करेंगे। इसमें स्टेट जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली है वो वोट नहीं करेगा, याद रखिए, यानी विधान सभा जो वोट है वो नहीं करता, वो इंक्लूडेड नहीं होता है। जब इम्पीचमेंट की बात आती है सर, तो लोकसभा और राज्यसभा उसके नॉमिनेटेड मेंबर क्या करते हैं, वोट करते हैं। हमने देखा था जब इलेक्शन का, यानी जब हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को पढ़ा था, तब हमने जाना था कि नॉमिनेटेड मेंबर क्या करते हैं, वोट नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, इलेक्शन के टाइम में, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट के चुनाव के समय क्या करते हैं, ये वोट नहीं करते हैं। बट इम्पीचमेंट की जब बात आती है, तो लोकसभा के मेंबर प्लस राज्यसभा प्लस नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं 12, क्या करते हैं, वो भी वोट करते हैं। कब, आपके इम्पीचमेंट के समय में, ठीक है। हाँ, एक और मैं बात बता दूँ आपके कि अगर बात आएगी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से बोरो किया गया है सर, तो बोरो फ्रॉम यूएसए, ठीक है, हमने यूएसए से इस चीज़ को, इस मॉडल को आपके बोरो किया है। तो ये था आपका बोरो, और आपके जो वोट कौन कौन करता है, तो लोकसभा राज्यसभा प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स।